तुम मेरे पे तरस क्यों नहीं खाते हो? वह मेरे पे तरस नहीं खाती है, मैं तुम पे तरस नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए देखते जाइए वीडियोस को इन तक, ठीक है गाइस। जब कभी भी आपको कहना है तरस खाना, इसको बोलने के लिए कहा जाता है फील पेटी फॉर। जैसे मुझ पे तरस खाओ तो क्या बोलूंगा, फील पेटी फॉर मी, मैं तुम पे तरस नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट पेटी फॉर यू, आई विल नॉट फील पेटी फॉर यू, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, ठीक है। आप मेरे पे तरस क्यों नहीं खाते हो, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट, इसका मतलब होता है सच तो यह है कि, जैसे अगर आपको बोलना है कि सच तो यह है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, सच तो यह है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया था, तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलने के लिए बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट। जैसे कि सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई लव यू। सच तो यह है कि तुमने मुझे पैसे दिया था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू गेव मी मनी। सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट सी चीटेड मी। तो ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। सच तो यह है कि उसने बैंक लूटा था, लूटना का होता है लूट या फिर होता है रॉब, ROB। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो, और मिलिए हर सुबह 6 बजे। थैंक यू।